यो फाइनली दोस्तों हमें ग्रीन रोबोट कार मिल चुकी है और अब आपका रोप हीरो जो कि ऑलरेडी रोबोट बना हुआ है ये फाइट करने वाला है इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मिंग कार के साथ। तो दोस्तों ये फाइट बड़ी मजेदार होने वाली है। लास्ट गेम प्ले में आपने देखा होगा कि ग्रीन कार ने हमें मार दिया था, लेकिन दोस्तों आज अपना ही रोबोट जीतेगा क्योंकि देखो हमने मेडिकिट खरीद लिया है और आप देख सकते हो हमारी एनर्जी फुल है, मतलब आर्मर भी फुल है और हेल्थ भी फुल है। तो दोस्तों हमने इसे चेतावनी दे दी और ये भाई गुस्से में आके हम पे फायरिंग कर रहा है, लेकिन दोस्तों हम फायरिंग नहीं करेंगे, पंच मार के इसे मारेंगे। और ये भाई क्या पंच मारा है दोस्तों रोप हीरो ने, और ये देखो ग्रीन ट्रांसफॉर्मिंग कार तो मर भी चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके के मजेदार स्टंट और मिशंस देखने वाले हैं आप आज के गेम प्ले में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों आज के गेम प्ले में आप देखने वाले हैं हमारे नए रोबोट के कुछ स्टंट्स और उसके बारे में प्लस माइनस सारे की सारी बातें आज हम इस गेम प्ले में जान लेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रोप हीरो वाइस टाउन गेम की न्यू अपडेट 5.0 आ चुकी है और इस न्यू अपडेट में दोस्तों आपका रोप हीरो एक ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो हम अब बनने वाले हैं एक रोबोट और ये देखिए दोस्तों हम रोबोट बन चुके हैं। और देखो यार कितना बड़ा हो गया आपका रोप हीरो, मतलब कि रोप हीरो के घर से भी ऊपर हो चुके हैं हम, मतलब कितने बड़े हो गए यार। तो दोस्तों इस गेम प्ले में हम आज यही देखने वाले हैं कि ये इस रूप में बनने के बाद, मतलब जब रोप हीरो रोबोट बन जाता है तो क्या रोप हीरो की तरह हम और मिशंस कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों क्या हम हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से काफ़ी ऊंचाई से जंप मारने के बाद हमारी हेल्थ डैमेज होगी या नहीं होगी, हम रोप हीरो की तरह रोबोट बनने के बाद में मेट्रो में सफर कर सकते हैं नहीं कर सकते, और भी बहुत कुछ जैसे कि पानी के अंदर तैरना। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आज के गेम प्ले में हम इस रोबोट की फाइट करवाने वाले हैं ग्रीन रोबोट के साथ और पुलिस वाले रोबोट्स के साथ, और देखने वाले हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। अनबिलीवेबल दोस्तों, रोप हीरो रोबोट बनने के बाद साइज में इतना बड़ा हो जाता है फिर भी रोप हीरो की तरह सबवे में सफर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम मेट्रो की हेल्प से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से, जैसे कि हम पहले जाते थे। रोबोट बनने के बाद भी हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। चलिए देखिए अभी हम इस स्टेशन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कहाँ से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से सिनेमा हॉल यानी अरेना वाले मेट्रो स्टेशन से निकलने वाले हैं और ये लीजिए दोस्तों हम आ गए, मतलब कि रोबोट बनने के बाद हम मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ये अब हम इसे कंपेयर करने वाले हैं हमारी किलिंग मशीन से। भाई किलिंग मशीन देखो कितनी बड़ी है यार, हमारा रोबोट तो काफ़ी छोटा है इस किलिंग मशीन के सामने, और पावर के मामले में तो किलिंग मशीन के बराबर और कोई भी हथियार या कोई भी व्हीकल है ही नहीं यार वाइस टाउन में। दोस्तों देखो यार कितना छोटे लग रहे हैं हम, मुझे लग रहा था कि रोप हीरो रोबोट बनके काफ़ी पावरफुल हो गया है, लेकिन दोस्तों किलिंग मशीन के सामने ये कुछ भी नहीं लग रहा, छोटा सा लग रहा है, बच्चा सा। तो चलो दोस्तों अब ट्राई करते हैं क्या किलिंग मशीन भी इसके अंदर जा सकती है, मतलब सबवे के अंदर हम किलिंग मशीन को लेके जा सकते हैं या नहीं। जिस तरीके से रोबोट अभी सबवे के अंदर गया था उस तरीके से किलिंग मशीन भी जा सकती है या नहीं, यही ट्राई करने वाले हैं हम। और ये भाई दरवाज़ा ही छोटा पड़ गया यार सबवे स्टेशन का, क्या बात है, किस तरफ से लेके जाएं। चलो दोस्तों किसी तरीके से हमने इसको एंट्री दिला दी है, लेकिन ये क्या हुआ भाई, ये देखिए दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है सबवे स्टेशन के अंदर और अब हम स्टेशन चेंज करके देखते हैं, दूसरे स्टेशन से एग्जिट लिए। तो ये क्या दोस्तों, हमारी किलिंग मशीन तो हमारे साथ आई नहीं, मतलब कि दोस्तों किलिंग मशीन के साथ जिस तरीके से हम और व्हीकल्स के साथ सबवे में सफ़र नहीं कर सकते उसी तरीके से किलिंग मशीन के साथ भी नहीं कर सकते। देखो अभी हम ट्रायल लेके देखते हैं, इस बाइक को लेके हम सबवे स्टेशन के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या हम इस बाइक साथ दूसरे स्टेशन से बाहर निकल पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहां से ओ भाई ठुक गई यार थोड़ा, तो दोस्तों यहां से हम एंट्री ले चुके हैं और ये देखो हम जिस तरीके से किलिंग मशीन से उतर गए थे उसी तरीके इस बाइक से भी उतर गए हैं और फिर से किसी दूसरे स्टेशन पर चलते हैं। यार इन पे तो पुलिस है, बिना पुलिस वाले पे चलते हैं। तो यार यहां पर ये सब स्टेशन है, यहां पर कोई पुलिस नहीं है, तो दोस्तों हम यहां से एग्जिट लेते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ, ये भाई हमारी बाइक हमारे साथ नहीं है जिस तरीके से किलिंग मशीन नहीं आई। तो दोस्तों किलिंग मशीन और रोबोट दोनों में यही डिफरेंस है, रोबोट से हम सबवे सफ़र कर सकते हैं और किलिंग मशीन के साथ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बीच पे और भाई यहाँ भी हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़ चुके हैं, लेकिन कोई नहीं भाई ये एड कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ भी ट्रांसफॉर्मर रोबोट बन चुके हैं और अब देखते हैं तबाही का आलम।
ये क्या बात है, इस क्रिसमस ट्री को तो हमने पैरों के नीचे ही कुचल दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ आए हैं समुंदर के अंदर स्विमिंग करने के लिए, मतलब कि रोप हीरो तो समुंदर के अंदर गिरते ही स्विमिंग करने लग जाता है, लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मर रोबोट बनने के बाद रोप हीरो स्विमिंग कर पाता है या नहीं, तो चलिए दोस्तों ये तो पता चलेगा कुछ देर बाद। पहले हम यहाँ थोड़ी तोड़फोड़ मचा देते हैं, क्योंकि यार इतने बड़े हो गए हम शरीर के अंदर, मतलब हमारा इतना बड़ा शरीर हो गया कि हम किसी भी चीज़ को लात मार के फोड़ सकते हैं। और भाई हम समुंदर के अंदर आ चुके, ये देखो यार ये रोबोट खराब ना हो जाए, इसके अंदर कहीं पानी चला जाए और ये किसी काम का ना हो। ओ भाई जंप देख रहे हो। तो दोस्तों समुंदर के हम बीचों बीच आ चुके हैं, लेकिन अभी तक स्विमिंग का कोई भी ऑप्शन नहीं आया हमारे पास, मतलब रोप हीरो तो पानी के अंदर आते ही तैरने लग जाता है, स्विमिंग करने लग जाता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मर रोबोट बनने के बाद रोप हीरो स्विमिंग नहीं कर सकता। और ये देखो दोस्तों समुंदर के बीच में आके भी हम कितनी तगड़ी वाली जंप मार रहे हैं, यार क्या ही बात है दोस्तों, हमारी हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुकी है, फटाफट से हेल्थ लेनी पड़ेगी भाई, वरना हम यहीं मर जाएंगे समुंदर के अंदर ही दोस्तों, हमें बाहर निकलना है। और यार ये एड तो पूछो मत, इतने ज़्यादा आ रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी से यार क्या करूँ, हेल्थ भाई हेल्थ बढ़ा लेते हैं फटाक से, यहाँ से बाहर निकलना है हमें वो भी जिंदा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर रोबोट समुंदर के अंदर स्विमिंग नहीं कर सकता, ये समुंदर के अंदर पैदल चलता है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं ये अंदर चलता है, क्योंकि यार इसका वेट ही इतना ज़्यादा है कि स्विमिंग करना इम्पॉसिबल हो ही जाएगा। तो दोस्तों नहीं कर सकते हम स्विमिंग, तो वापस से चल रहे हैं हम बाहर की तरफ, बीच पे आने वाले हैं हम। ओ भाई क्या जंप करता है ना यार, इसकी जंप बड़ी ही शानदार है दोस्तों, ये देखो क्या बात है। तो दोस्तों आपने देखा हमारा रोबोट पानी के अंदर स्विमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है और इतने वेट के साथ में कोई भी स्विमिंग नहीं कर सकता। तो दोस्तों हम बाहर आ चुके हैं, अब नेक्स्ट मिशन ये दोस्तों, साइड में आपने कैसीनो देखा ही है, कैसीनो के अंदर हम रोबोट बन के अंदर नहीं जा सकते, आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा होगा हमने ट्राई किया था, हम रोबोट बन के सबवे में सफ़र कर सकते हैं लेकिन कैसीनो के अंदर नहीं जा सकते। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं सातवें आसमान में, मतलब कि हम हेलीकॉप्टर को लेके जितनी मैक्सिमम हाइट पे आ सकते थे वाइस टाउन के उतनी हाइट पे आ चुके हैं, और अब हम यहाँ रोप हीरो को चेंज करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर रोबोट में, और देखते हैं क्या ही जादू होगा जब रोप हीरो बन जाएगा रोबोट। तो दोस्तों इतना बड़ा रोबोट बनेंगे हम, तो हेलीकॉप्टर तो छोटा सा है हमारा, और हम इसके अंदर बैठे बैठे रोबोट बनेंगे, तो क्या ही जादू होगा देखते हैं। ओ भाई जैसे ही हम रोबोट बने ना, हेलीकॉप्टर से बाहर हो गए हम, मतलब गिर गए, और भाई नीचे जाके गिरने वाले हैं हम, हमारी हेल्थ फुल है, शायद मरेंगे तो नहीं। ओ भाई आधी हेल्थ हमारी डैमेज हो चुकी है, तो हाफ हेल्थ डैमेज हो गई इतनी ऊपर से गिरने की वजह से, अगर रोप हीरो गिरता तो उसकी हेल्थ डैमेज नहीं होती, लेकिन यार ट्रांसफॉर्मर रोबोट की तो हेल्थ भी डैमेज होती है, क्या ही बात है दोस्तों। ये देखो हेलीकॉप्टर आके गिरा है, भाई कितना सा लग रहा है ये रोबोट के सामने, इसी वजह से तो जब हम रोप हीरो से रोबोट बने हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे बैठे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ही हम बाहर निकल के गिर गए, क्योंकि यार इतना बड़ा शरीर हेलीकॉप्टर के अंदर कैसे आता दोस्तों, आप ही सोचो, बड़ा ही मज़ेदार सीन था यार ये। तो अब हम करवाने वाले हैं हेलीकॉप्टर्स की फाइट। जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने है पुलिस का हेलीकॉप्टर और हमारे पास है आर्मी का हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों हम अभी इस हेलीकॉप्टर पे बुलेट्स या मिसाइल्स कुछ नहीं चलाने वाले हैं, हम इसे टक्कर मार के ही ब्लास्ट करने का प्लान। ओ भाई ये क्या, उलझ गए दोनों हेलीकॉप्टर, भाई क्या बात है, ऐसी फाइट तो कभी नहीं देखी होगी दोस्तों, क्या मज़ेदार फाइट हो रही है, मतलब हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आपस में टकरा टकरा के डैमेज दे रहे हैं। लेकिन यार ये क्या, यहाँ तो एक पुलिस कार ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट कार आ चुकी है और वो रोबोट बन चुकी है, तो दोस्तों हमें भी अब रोबोट बनना होगा, मतलब रोप हीरो रोबोट बन सकता है, तो पुलिस के रोबोट के साथ रोबोट बन के ही फाइट करेंगे हम दोस्तों। तो जल्दी से हम इस पुलिस के हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी देर से हमारे ऊपर बुलेट्स चला रहा है, हम तो इसे टक्कर मार के ब्लास्ट करने में है, लेकिन ओ भाई आरपीजी भी आ रही है। तो दोस्तों हमने पुलिस के हेलीकॉप्टर को फोड़ दिया है यार पूरी तरीके से, और अब आपका रोप हीरो भी बनने वाला है रोबोट, और फिर हम फाइट करेंगे पुलिस के रोबोट के साथ। तो दोस्तों ये देखो नई अपडेट से हम फिर से रोबोट बनने वाले हैं, और ये भाई खतरनाक वाला रोबोट है हमारा भी, और ये लो हम तैयार है पुलिस के रोबोट से मुकाबला करने के लिए। ओ भाई हमारी हेल्थ फुल थी, लेकिन इसके सामने आती भाई हेल्थ की बैंड बच चुकी है, और भाई ये कौन सी फाइट हो रही है, ये लो भाई हमें हेल्थ किट की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि भाई इस रोबोट ने ना, पुलिस वाले ने हमारे रोबोट की बैंड बजा दी है। तो दोस्तों जल्दी से हम हेल्थ फुल कर लेते हैं, और देखो अभी हमारी हेल्थ फुल है, लेकिन भाई हम मरने वाले हैं यार, इस रोबोट ने तो सच में बैंड बजा दी हमारे रोबोट की, पुलिस का रोबोट काफ़ी पावरफुल आता है। तो दोस्तों हमने एड देख के फिर से जीवनदान ले लिया है, और फिर से फाइट करने लग गए, भाई ये पुलिस का रोबोट तो दोनों हाथ से मार रहा है अपने रोबोट को, और देखो हेल्थ फुल होने के बावजूद इसने हमें मार दिया भाई, यार इसका मतलब तो हमारा रोबोट काफ़ी ज़्यादा वीक है, पुलिस के रोबोट ने कितनी आसानी से हमारे रोबोट की बैंड बजा दी दोस्तों। लेकिन कोई नहीं, अभी फाइट बाकी है, मतलब
अभी हम पुलिस के टैंक के साथ फाइट करने वाले हैं दोस्तों। और ये देखो नीचे है पुलिस का टैंक और आपका रोप हीरो वाला रोबोट इससे फाइट कर रहा है भाई। हम इससे तो हरा ही देंगे भाई। तो दोस्तों अभी रोप हीरो ने जो गन ले रखी है ये आरपीजी की जैसी है और हम इस रोबोट से अब इस टैंक को फोड़ने वाले हैं भाई। ये टैंक अभी तक एक भी गोला नहीं चलाया है हमारे रोबोट के ऊपर। और ये लो भाई, हमने टैंक को तो हरा दिया, एटलीस्ट क्या ही बात है। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और यहाँ देखो एक ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट कार है पुलिस वालों की, तो अब इससे फाइट करते हैं। हमारी हेल्थ इस वक्त फुल है दोस्तों, आर्मर भी फुल है, लेकिन ये क्या हेलीकॉप्टर आ गया यार कहाँ से और इसने हमें डैमेज दे दिया। देखो दोस्तों आर्मर बिल्कुल भी कम नहीं होता है, मतलब कि ये जो हमारा रोबोट है इस पर आर्मर वर्क नहीं करता है, सिर्फ हेल्थ किट ही वर्क करता है। सिर्फ हेल्थ ही कम होती है जब कोई हमें डैमेज देता है, तो आर्मर के कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब आर्मर का कोई रोल नहीं है इस रोबोट के लिए। तो ओ भाई ये फिर से दोस्तों देख रहे हो आप कितनी आसानी से पुलिस के रोबोट हमारी बैंड बजा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब पुलिस के रोबोट के साथ पंगा लेने से पहले हम एक बार अपने रोबोट की कैपेसिटी चेक कर लेते हैं, मतलब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं आरपीजी के अगेंस्ट। तो दोस्तों अभी हमारे पास जो आरपीजी गन है इससे हम अपने आप को ही शूट करने वाले हैं। देखो हमारे हाथ में आरपीजी है, क्या है भाई चला के देखते हैं। ओ भाई आरपीजी है, तो दोस्तों अभी हम इससे अपने आप को शूट करने वाले हैं और देखते हैं कि हम कितनी आरपीजी खा के हमारा रोबोट मरता है। तो भाई ये ओ तेरी, देखा दोस्तों हम एक आरपीजी में ही मर गए यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीक है ये रोबोट। तो दोस्तों इसके सहारे तो भाई ज़्यादा उछल कूद करनी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर से आ गए हैं और पूरी तैयारी के साथ, आर्मर भी फुल है और हेल्थ भी फुल है और रोबोट्स के साथ पंगा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ ये पुलिस का ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट अभी तक, ओ भाई बन गया रोबोट, अब हमारी खेनी भाई क्या फाइट चल रही है भाई दोनों के बीच में। अरे यार ये क्या हुआ, हम तो मरने वाले हो गए, मतलब यार पुलिस का रोबोट तो हमें चुटकियों में ही मार देता है। चलो कोई नहीं, हम यहाँ ऐड देख के फिर से एक बार चांस ले रहे हैं यार जीवन दान। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक और लाइफ मिल चुकी है और हम फिर से फाइट कर रहे हैं भाई। ख़तरनाक फाइट चल रही है पुलिस के रोबोट की और हमारे रोबोट की, लेकिन आप देख सकते हो हमारी हेल्थ कितनी जल्दी डैमेज हुई और भाई हम मर भी गए। तो दोस्तों देखा आपने हमारा रोबोट काफ़ी ज़्यादा वीक है यार। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।